हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथ्स में। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था डिस्क्रीट सेट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, एंड फॉर कंटिन्यूस सेट वी आर यूजिंग क्लोज ब्रैकेट। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस ब्रैकेट्स, एक तो होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, जिसको हम क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा ओपन ब्रैकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस, राइट। और फिर हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स ऑन अ नंबर लाइन, ओके। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव सीन वेरियस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फॉर एग्जांपल यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ओके। और मैंने इलस्ट्रेशन एक आधी लिया था, तो आज हम थोड़े इलस्ट्रेशन देखेंगे उसके बेसिस पे, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर, एंड ऑल्सो हम कुछ आगे की थ्योरी और देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने बोला मेरा सेट ए है, लेट्स से दिस इज 2 क्लोज से 5 क्लोज, एंड लेट्स से माय सेट बी इज लेट्स से 3 क्लोज से लेट्स से 6 क्लोज, ठीक है। दिस इज माय सेट ए एंड सेट बी, एंड आई हैव टू कैलकुलेट 4 डिफरेंट थिंग्स। क्या क्या देखना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। वील कैलकुलेट ऑल दीज 4 फॉर दीज 2 सेट्स। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग क्या है, वी हैव टू प्लॉट दीज 2 सेट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ए को मैंने प्लॉट किया, तो लेट्स से 2 हेयर है, तो 5 मेरा इधर होगा, एंड बोथ आर क्लोज, सो हेयर इट विल बी फील्ड सर्कल। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज ऑल वी हैव डन इन लास्ट क्लास ओनली, ओके। नाउ वील प्लॉट सेट बी इन द सेम स्केल, सेम स्केल मतलब मैं 3, मतलब ऐसा नहीं रैंडमली इस लाइन पे कहीं भी ले लूँगा, आई विल सी 2 इधर है 5 इधर है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो आएगा 3, तो मैंने मान लिया लेट्स से 3 इज समवेयर हियर एंड 6 विल कम राइट ऑफ 5, सो दिस इज 6, एंड अगेन दोनों जगह क्लोज है, तो ये क्लोज ये क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेट ए, दिस इज माय सेट बी, नाउ आई विल कैलकुलेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। तो लेट्स फर्स्ट वन, ये फर्स्ट है, तुम लोग करते जाना वीडियो पॉज करके और चेक करना तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो फर्स्ट वन, तो मैंने बोला कि ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन लूंगा, तो व्हाट आई विल गेट, 2 से 3 पहले वाले सेट में आ गया, 3 से 5 दोनों ही सेट में आ गया, और 5 से 6 बी वाले सेट में आ गया। और मुझे पता है ए यूनियन में बी में क्या लेता हूँ, वो एलिमेंट्स जो कम से कम दोनों में से एक में प्रेजेंट हो, सो माय आंसर विल बी व्हाट, 2 क्लोज से 6 क्लोज, वेरी सिंपल। सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। नाउ इफ यू विल सी द कॉमन पार्ट, यू कैन सी दिस मच इज द कॉमन पार्ट, इफ लेट्स से दिस इज 5, सो माय इंटरसेक्शन विल बी 3 क्लोज से 5 क्लोज, बिकॉज 3 से 5 मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, तो इट इज 3 क्लोज से 5 क्लोज। जो दिक्कत आती है वो आती है बच्चों को डिफरेंस वाले में, तो डिफरेंस वाला देख लेते हैं। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मैंने बोला क्या था, ए के एलिमेंट्स लेने हैं, बट वो हटाना है उसमें से जो उसका बी के साथ कॉमन हो। तो मुझे पता है ए के तो एलिमेंट्स 2 से 5 तक हैं, बट इसमें से मुझे कौन से एलिमेंट्स हटाऊंगा, 3 क्लोज से 5 क्लोज हटाऊंगा, बिकॉज 3 क्लोज से 5 क्लोज इज माई इंटरसेक्शन पार्ट, दैट इज कॉमन विद बी, ए का जो बी के साथ कॉमन है उसको हटा दूंगा, तो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज 2 से 3 बचेगा, 2 क्लोज। अब मेन दिक्कत यहाँ बच्चे लोग करते हैं, जैसे कि मैंने कल की क्लास में ही बोला था, 3 पे ओपन लगूँ या क्लोज, तो ये देखो कि मेरे को ए माइनस बी चाहिए, तो मेरे को 3 जो एलिमेंट है, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट 3, वो सेट बी में है ना, और मुझे ए में से वो हटाना है, बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 3 भी हटेगा, 3 भी हटेगा, देयरफॉर आई विल पुट हियर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एंड लास्टली बी माइनस ए, तो व्हेन यू विल डू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, मतलब मुझे बी में से वो हटाना है जो उसका ए के साथ कॉमन हो, बी माइनस ए विल बी अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो मैं बी में से ए वाला पार्ट हटा देता हूँ, तो बी का तो ये पूरा है 3 से 6, बट इसमें से मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ, कॉमन वाला, कॉमन क्या है 3 से 5, तो इस पूरे में से 3 से 5 चला गया, तो यू विल बी लेफ्ट आउट 5 से 6, 6 पे तो क्लोज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन 5 पे ओपन आएगा या क्लोज, जस्ट थिंक इट, इट विल कम ओपन, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो ऊपर भी क्लोज है ना, अगर फील्ड सर्कल है, तो 5 ए के अंदर है, तो इसका मतलब ए बी माइनस ए में से मैं ए को हटाना है मुझे सारे एलिमेंट्स ए के बी में से जो कॉमन है, तो 5 भी हटा दूंगा, तो इधर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करते जाना। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने लिया इधर 2 क्लोज से
लेट्स से 4 ओपन और इधर ले लिया मैंने लेट्स से 4 क्लोज से 6 क्लोज. करो एक बार, नाउ ट्राई ऑन योर ओन. अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ. तो फर्स्ट पहला काम, जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले प्लॉट बोथ द सेट्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, सो आई विल प्लॉट सेट ए. तो सेट ए में मैंने 2 लिया, इधर 4 लिया. पहले तो ओपन लगा दिया, फिर बीच में लाइन खींच दी. अब दिख रहा है 2 पे क्लोज है तो इसको फिल कर दिया, और 4 पे ओपन है तो ये हॉलो ही रहेगा. सो दिस इज व्हाट माय सेट ए. ऑन द सेम स्केल आई विल प्लॉट सेट बी. तो सेट बी के लिए 4 क्लोज से 6 क्लोज, तो 4 तो इसी के नीचे आएगा, जस्ट इसके नीचे 4, और 6 मेरा राइट में आएगा इधर. एंड बोथ आर क्लोज, 4 पे भी क्लोज है एंड 6 पे भी क्लोज है. तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, इधर भी फिल्ड आ जाएगा ये लाइन, और इधर भी फिल्ड. ठीक है, दिस इज माय सेट बी. नाउ वी विल सी वेरियस ऑपरेशंस. तो लेट्स से फर्स्ट वन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी में क्या लेते हैं हम, वो एलिमेंट्स जो कम से कम ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट हो वो तो लेना ही लेना है. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि 2 से 4 सेट ए के अंदर कवर हो गए एक्सेप्ट 4. ठीक है, कोई बात नहीं, 4 कवर नहीं हुआ, बट 4 इसने कवर कर लिया. तो 4 से 6 इसने कवर कर लिया टोटल. तो 2 से 4 इसने कवर कर लिया, 4 से 6 इसने कवर कर लिया, एंड 4 जो है सिंगल एलिमेंट 4 वो सेट बी में कवर है, कवर्ड है. ठीक है ना, तो माय आंसर फॉर ए यूनियन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 2 क्लोज से 6 क्लोज्ड. गेट इट? नाउ लेट्स कम टू द इंटरसेक्शन पार्ट. करो एक बार ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स. तो देखें क्या कॉमन आ रहा है, देख के लग रहा है कुछ कॉमन है, तो आंसर क्या बोलेगा, नहीं. कोई बोलेगा 4 है ना सर, 4 कॉमन नहीं है, 4 नीचे वाले में तो प्रेजेंट है, इधर फील्ड है, बट ऊपर वाले में दिख रहा है क्या, नहीं. ऊपर वाले में सिंगल एलिमेंट 4 इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इन दोनों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. और इसका मतलब जो हमारा सेट होगा दिस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अ एम्प्टी सेट, ई एम पी टी बाय एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट को जनरली हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल फाई. लिख लो इसको, दिस इज एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं है. No single element is common between set A and set B. Hence, my A intersection will be phi. Phi, ठीक है ना? Spelling लिख लो, इसको कैसे read करते हैं? PH, कोई PHI लिखता है, कोई PHY लिखता है, phi. Pronunciate हम ऐसे करते हैं, phi, ठीक है? चलो, A minus B. अब मैंने बोला कि A में से वो हटाना है जो B के साथ common हो. मुझे पता है B और A में तो कुछ common है ही नहीं. B और A में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट सेट ए ओनली, दैट इज 2 क्लोज से 4 ओपन. समझ में आ रहा है ये क्या लिखा मैंने? मैंने बोला A में से मुझे वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो A का B के साथ कॉमन हो. अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब A माइनस B किसके बराबर होगा, A के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ हटाने नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है ना A में. अच्छा, फिर B माइनस A, अगेन सेम थिंग. तो B माइनस A क्या हो जाएगा, अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो B दिस इज इक्वल टू सेट B ओनली, एंड दैट इज नथिंग बट 4 क्लोज से 6 क्लोज. आई होप समझ में आ रहा होगा. इधर एक काम करो, इधर नोट करके भी एक छोटा सा लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने क्या सीखा इन दोनों, स्पेशली इस पार्ट के लिए, अगर कोई दो सेट हैं A और B, उनका इंटरसेक्शन phi है ना, तो A माइनस B विल बी इक्वल्स टू A ओनली. सिमिलरली B माइनस A विल बी इक्वल्स टू B ओनली. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू phi, अगर दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन सेट A एंड सेट B, देन आई कैन से A माइनस B, जो हम क्या लिखते थे कल की क्लास में देखा था, A माइनस A इंटरसेक्शन B, A का A में से वो पार्ट हटा दिया जो A का B के साथ कॉमन है, एंड वी नो ये तो phi है तो ये तो जीरो हो गया, हेंस A माइनस B विल बी A ओनली. वही इधर दिखाया है, A माइनस B मेरा A के बराबर ही आ गया. क्यों आया? बिकॉज इंटरसेक्शन phi था. सिमिलरली B माइनस A B के बराबर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अगेन इंटरसेक्शन phi है. तो अगेन इधर ये भी लिख लो, B माइनस A विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे जनरलाइज, तो ये लिखेंगे B माइनस A इंटरसेक्शन B, और एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू B ओनली बिकॉज दिस पार्ट इज जीरो. गेटिंग इट? आई होप समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन. चलो और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करते हैं. तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. ठीक है, देखो जो जैसे बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा मेन टारगेट क्या है ना, कि सेट्स पढ़ाना नहीं है. ठीक है, एक्चुअली जो सेट्स है चैप्टर दैट विल बी मतलब वो हम लोग पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. अभी मेरा बेसिक जो सेट्स है ना उसका थोड़ा ओवरव्यू देना है, जस्ट सुपरफिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि वो इनइक्वालिटी में काम आएगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट इनइक्वालिटी है. बेसिकली ये चैप्टर मैंने लिखवाया तो बेसिक मैथ्स,
बट मेरा मेन इसमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना. तो उसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूरत होता है सेट्स का, इसलिए आई एम गिविंग यू दिस थोड़ा बहुत नॉलेज अबाउट सेट्स. अदरवाइज प्रॉपर जो सेट चैप्टर है दैट विल बी कवर्ड लेटर, ठीक है ना. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स से मैंने लिखा टू ओपन से फाइव ओपन, और इधर लिखा लेट्स से सिक्स क्लोज से सेवन ओपन. करो एक बार. नाउ डू ऑल दीज फोर ऑपरेशंस ऑन दीज टू सेट्स. अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ. तो ए यूनियन बी क्या होगा, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं ऑन द नंबर लाइन. सो दिस इज माई सेट ए, दिस इज टू, दिस इज फाइव, बोथ आर ओपन. तो ये इधर भी हॉलो आएगा, इधर भी हॉलो आएगा, ये हो गया मेरा सेट ए, ठीक है. अब सेट बी, तो सेट बी इसी के नीचे लिख लेते हैं. सिक्स से सेवन है तो फाइव के राइट में आएगा सिक्स, तो सिक्स हेयर एंड लेट्स से सेवन इधर आया. तो अगेन पहले तो हॉलो लगा दिया, अब देख लिया कि फिल्ड किधर है, सिक्स पे क्लोज है तो इसको मैंने फिल कर दिया. तो दिस इज माई सेट बी. ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया. नाउ वी विल सी वेरियस ऑपरेशंस. तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो कम से कम एक में तो प्रेजेंट हो. तो मेरा ए यूनियन बी को मैं कैसे लिखूंगा देखना. तो ये टू से फाइव कवर हो जाएंगे प्लस सिक्स से सेवन कवर हो जाएंगे. तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, टू ओपन से फाइव ओपन, और मैं एज इट इज लिख दूंगा. इसमें कोई ज़्यादा क्लब करने की जरूरत नहीं है, वी विल लीव एज इट इज. यू कैन नॉट क्लब दीज टू फर्दर, ठीक है ना. यू कैन नॉट क्लब दीज टू फर्दर, तो हमने एज इट इज छोड़ दिया. अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे. तो ए इंटरसेक्शन बी, टेल मी क्या होगा. कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं. इसमें टू से फाइव है, वो भी टू और फाइव भी नहीं है, बीच के नंबर है टू और फाइव के. और इसमें सिक्स से सेवन है और सेवन भी नहीं है, तो क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा. तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन इज फाइव. अब मैंने बताया कि अगर एक बार इंटरसेक्शन फाइव आ गया तो अब मैं ज़्यादा दिमाग ना लगा के सिंपली डायरेक्टली लिखूंगा ए माइनस बी इज सिंपली ए एंड बी माइनस ए इज सिंपली बी. जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है. तो ए माइनस बी विल बी ए, बी माइनस ए विल बी बी, ठीक है. अच्छा इसको वैसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, चलो बता देता हूँ. मैं सोचा था नहीं बताऊँ, बट ठीक है बता देता हूँ. देखना पहले तुम सोचो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ. इसी मतलब आई वॉन्ट टू राइट दिस सेट, कैसे मैं लिखूँ, हाउ टू राइट दिस सेट एक और तरीके से. जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, मान लो एक ऑप्शन ये दिया है और एक और ऑप्शन दे सकता है, वो भी करेक्ट होगा. क्या क्या दिया होगा उस ऑप्शन में, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ. देखना ध्यान से, मैंने लिखा टू से सेवन लिख दिया पहले तो, बट ये तो गलत है क्योंकि टू से सेवन के बीच में तो वो फाइव और सिक्स के बीच के भी सारे नंबर आ गए, बट मेरे को पता है फाइव से सिक्स तो है ही नहीं. तो इसमें से मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, इसमें से कुछ मुझे हटाना पड़ेगा तभी ये दोनों सेट बराबर होंगे. तो मैं क्या हटाऊं, फाइव से लेके सिक्स इसके अंदर नहीं है तो वो इसमें से हटाना पड़ेगा. तो माइनस फाइव से सिक्स, अभी ओपन क्लोज लगाएंगे, मेन वही दिक्कत होती है. बच्चे लोग जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, ओपन क्लोज में गलती कर देते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो मैंने बोला ये तो कन्फर्म है कि इसमें से 5.6 हटेगा, मतलब कंटिन्यूस सेट. अब 6 पे ओपन आएगा या क्लोज, जस्ट थिंक इट, 6 पे ओपन आएगा या क्लोज. अब मैं बताऊं, आंसर इज ओपन आएगा, आंसर इज ओपन आएगा. बिकॉज अगर क्लोज कर दिया तुमने तो तुम तो इसमें से 6 भी हटाने वाले हो. अगर 6 पे क्लोज लगा दिया इधर तो तुम तो इसमें से 6 भी हटा दोगे, बट 6 तो है ना मेरा इधर, 6 पे क्लोज है, गेटिंग इट. तो 6 पे ओपन आएगा. अब इसके अंदर 5 है क्या, 5 नहीं है, तो इसमें से 5 हटाना है मुझे इसमें से. तो इधर मेरा 5 पे क्लोज आएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सम ऑफ द ऑप्शंस यू माइट गेट दिस आल्सो, इंस्टेड ऑफ दिस दे विल राइट इट लाइक दिस वे, ए यूनियन बी इज दिस, गेटिंग इट. एंड स्पेशली दे विल मेक यू कंफ्यूज इन क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट्स, इधर ओपन लगा देगा इधर क्लोज दे देगा या फिर दोनों जगह क्लोज दे देगा, लाइक दैट वे ही मे कंफ्यूज यू, बट योर कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. अगर अभी क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों. चलो और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो और प्रैक्टिस के लिए. इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, जस्ट कॉपी दिस पार्ट. ए को मैंने लिया लेट से फाइव क्लोज से सेवन क्लोज, और इसको मैं ले रहा हूँ सेवन क्लोज से नाइन ओपन, ठीक है ना. जस्ट एक लास्ट ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूस सेट, इसके बाद एक आध दो एग्जांपल डिस्क्रीट के ले लेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर नया पढ़ेंगे. तो लेट्स से पहले प्लॉट कर लेता हूँ. तो ए सेट को प्लॉट किया, दिस इज फाइव, दिस इज सेवन, क्लोज है तो इधर भी फिल्ड, इधर भी फिल्ड. उसके बाद
बी सेट सेवन क्लोज से नाइन क्लोज, तो इसी के नीचे आएगा सेवन, वो सेवन पे भी क्लोज है, नाइन पे इधर ओपन है, तो ये नाइन हो गया. सो दिस इज व्हाट माय ए और बी सेट प्लॉट कर दिए. अब वीडियो पॉज करो, तुम पहले चारों लिखो, फिर मैं आंसर्स लिखूंगा, देन यू हैव टू वेरीफाई. अगर तुमने सही लिखे इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं. थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होना चाहिए ओपन क्लोज ब्रैकेट की भी, ठीक है. चलो देखते हैं, तो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन, तो मैंने ना फाइव से सेवन तो इसने कवर कर लिया, और ये मेरा सेवन है ना, एक मिनट, या सेवन, सेवन से नाइन इसने कवर कर लिया, ठीक है. नाइन नहीं किया तो नाइन पे तो ओपन आ जाएगा, बट सेवन तो सेवन जो सिंगल एलिमेंट सेवन है दैट इज इन बोथ द सेट. और मैं बोल रहा हूँ फाइव से सेवन ऊपर वाले सेट ने कवर कर लिया, सेवन से नाइन इसने कवर कर लिया एक्सेप्ट नाइन. तो व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीज टू, मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव क्लोज से नाइन ओपन. फाइव क्लोज से नाइन ओपन, सारे नंबर्स ए यूनियन बी में आएंगे. तो बोलेगा सर सेवन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सेवन, सेवन तो दोनों में ही प्रेजेंट है. हम यूनियन में तो वो लिखते हैं कम से कम एक सेट में प्रेजेंट हो, और दो में है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. नाउ ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज सेवन. अच्छा अब सिंगल एलिमेंट है तो आई विल यूज डिस्क्रीट सेट टू रिप्रेजेंट इट. तो आई विल राइट इन कर्ली ब्रैकेट सिंपली सेवन, सिंपली सेवन आई विल राइट इन कर्ली ब्रैकेट्स. गॉट इट? चलो अब मैंने बोला ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए में से वो एलिमेंट हटा दूंगा जो उसका बी के साथ कॉमन है, और बी के साथ कॉमन क्या है सेवन. तो ए में से मैं क्या हटा दूंगा, सेवन हटा दूंगा. तो ए में से जब सेवन हटाऊंगा तो व्हाट इज द आंसर, फाइव क्लोज से सेवन ओपन. गेटिंग इट? ए में से मेरे को इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना है, ए माइनस बी मतलब वही होता है ना, ए में से वो पार्ट हटा दो जो ए का बी के साथ कॉमन है. तो ए का बी के साथ कॉमन क्या है, सिंगल एलिमेंट सेवन, सो दैट आई विल रिमूव फ्रॉम सेट ए. तो क्या बचेगा, फाइव क्लोज से सेवन ओपन, सेवन हट गया. नाउ बी माइनस ए, तो अगेन बी में से मैं क्या हटाऊं, जो बी का ए के साथ कॉमन है, बी का ए के साथ कॉमन क्या है सेवन. तो इस वाले सेट में से बी में से मुझे सेवन हटाना है, तो सेवन पे अभी तो क्लोज है तो उसको क्या कर दूं, ओपन कर देता हूं. तो सेवन ओपन से नाइन ओपन. गेटिंग इट? क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले दो चार एग्जांपल तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना, फॉर होमवर्क क्वेश्चन. ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली यू शुड कंप्लीट दोज क्वेश्चंस, और फिर हम नया देखते हैं. अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक बार वो और कर लेते हैं, क्या बोलते हैं अपना डिस्क्रीट सेट और ले लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ ले लेता हूँ. तो लेट्स से मैंने सेट ए लिया वन, चलो माइनस थ्री माइनस टू थ्री फाइव सिक्स. लेट्स से मैंने ये एलिमेंट्स लिए सेट ए के अंदर, और सेट बी के अंदर लिए मैंने लेट्स से माइनस टू फाइव सेवन इलेवन. लेट्स से दीज आर माई टू सेट्स ए एंड बी. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट ऑल दोज फोर थिंग्स, क्या क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए. तुम लोग पहले करो, ठीक है. अब मैं इसको सॉल्यूशन पे आता हूँ. तो पहले तो मैं ए को प्लॉट कर लेता हूँ. तो डिस्क्रीट सेट है, केवल वो सीधी सीधी लाइनें आएंगी बस. पहले तो मैं नंबर्स प्लॉट कर लेता हूँ ना, नंबर लाइन. तो माइनस थ्री लेट्स से इधर है, तो माइनस टू इधर होगा, फिर थ्री इधर होगा, फाइव इधर होगा, और सेवन इधर होगा. अच्छा इसको प्लॉट कर लिया, तो इधर फील्ड सर्कल ये आया, फील्ड सर्कल लाइन, फील्ड सर्कल लाइन, फील्ड सर्कल लाइन एंड फील्ड सर्कल लाइन. सो ये तो हो गया मेरा सेट ए का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. नाउ लेट्स प्लॉट सेट बी ऑन द नंबर लाइन. तो माइनस टू फाइव, तो माइनस टू तो इधर आएगा, दिस इज माइनस टू एंड फाइव विल कम हियर, फाइव. उसके बाद एक मिनट मैंने गलत कर दिया, थ्री फाइव ये सिक्स है इधर, ठीक है ना, दिस इज सिक्स. माइनस थ्री माइनस टू थ्री फाइव सिक्स, माइनस टू फाइव सेवन, सेवन विल कम समवेयर हियर एंड इलेवन विल कम समवेयर हियर, ठीक है ना. तो दिस इज माई सेट बी. अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या लिखते हैं, वो एलिमेंट्स जो कम से कम ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो. तो ए यूनियन बी अगेन अ डिस्क्रीट सेट ओनली, बिकॉज इसमें भी डिस्क्रीट एलिमेंट्स होंगे, कंटिन्यूस नहीं होगा. तो क्या क्या होंगे देखना, मैं लिख रहा हूँ माइनस थ्री ए में प्रेजेंट है, माइनस टू दोनों में प्रेजेंट है तो वो तो आना ही आना है, फिर थ्री एक में प्रेजेंट है तो चलेगा, फाइव जो है दोनों में प्रेजेंट है आएगा ही आएगा, सिक्स एक में प्रेजेंट है वो भी आएगा, सेवन एक में प्रेजेंट है वो भी आएगा, इलेवन एक में प्रेजेंट है वो भी आएगा. सो दिस इज व्हाट माय ए यूनियन बी. व्हाट इट? चलो तो मैंने बोला अब ए इंटरसेक्शन बी,
कॉमन एलिमेंट्स तो दिख रहा है डायग्राम में, कॉमन एलिमेंट्स देखो मैं इधर ही मार्क कर देता हूँ, एक तो ये कॉमन दिख रहा है मुझे और एक ये कॉमन दिख रहा है, तो कल दो एलिमेंट है सिंगल सिंगल, तो एल्वियुट्स कर्ली ब्रैकेट्स व्हाट आई विल राइट हियर -2, 5, दिस इज व्हाट सेट ए इंटरसेक्शन बी, लास्ट ए माइनस बी, ए में से वो एलिमेंट हटा दूंगा मैं जो उसका बी के साथ कॉमन है, तो ए में तो मेरे 5 एलिमेंट्स थे ये सारे, बट इसका बी बी के साथ दो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, -2 और 5, तो ये हटा दूं मैं ए में से, तो क्या बचेगा मेरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर -3, 3, 6 got it, एंड लास्टली बी माइनस ए क्या होगा मेरा, बी में से वो हटा देता हूँ जो उसका ए के साथ कॉमन है, तो अभी देखा हमने कॉमन क्या क्या, एक तो -2 और 1, 5, सो क्या बचेगा बी माइनस ए के अंदर मात्र दो एलिमेंट 7 and 11, सो दिस इज व्हाट माय बी माइनस ए, क्लियर हुआ बच्चों, तो दिस इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट सेट, ठीक है। अब मैं कुछ तुम लोगों के प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इलस्ट्रेशन दे देता हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है ना, ऑल दो इट इज देयर ईजी, ऐसा नहीं सोचना ठीक है जो तो हो ही जाएंगे क्या करें, नहीं करना ही है चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अभी से तुम इतना फ्लुएंट हो जाओ इस चीज़ में कि जो बड़ी बड़े क्वेश्चंस हुए उनमें हमारी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना होएं, ठीक है ना, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि जेई में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऑफकोर्स नहीं आएंगे, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इन्हीं से तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। चलो तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन के लिए देता हूँ, लेट्स से सेट ए इज एंड आई एम बाय डिफॉल्ट इन ऑल द पार्ट्स यू हैव टू कैलकुलेट दोज फोर थिंग्स इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी बी माइनस ए, ठीक है। और ओपन क्लोज का भी ध्यान रखना है, एक आठ डिस्क्रीट का ले लेता हूं मैं, जेड बी इज लेट्स से ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क मतलब जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस यू हैव टू कंप्लीट एंड कॉपी दीज इन द नोट्स ओनली, और प्रॉपर एक सेपरेट नोट्स होना चाहिए मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, यू शुड नॉट राइट ऑल द थ्री थिंग्स इन द सेम नोट्स, ठीक है ना, मैंने देखा है बहुत से बच्चे लोग करते हैं कि सर अभी बुक स्टॉल्स बंद हैं, ये है वो है, कैसे भी करके अभी से ही तुम्हें नोट्स सेपरेट फॉलो करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है ना, एक ही बुक में नहीं लिखना है, नहीं तो बच्चे लोग क्या करते थे हम कॉपी कर लेंगे एक महीना कर लेते हैं फिर कॉपी कर लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें, अभी तुम्हारा अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी से तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ठीक है ना, ये एक एक मिनट मिलके ही बहुत बड़ा टाइम बनेगा, और मतलब सिलेक्शन इसी से होगा जब तुम एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करोगे प्रॉपरली, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत से लोग करते हैं बच्चे, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा सबके लिए नहीं है ये स्टेटमेंट, उन्हीं के लिए है जो एक ही नोट्स में सारे चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, जस्ट लाइक 10th स्टैंडर्ड में हम लोग करते नहीं, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ओके। तो अच्छा एक क्वेश्चन और छोटा सा, मैं डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूस सेट का मिक्स एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक छोटा सा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए लिया, लेट्स से सेट ए इज 2 क्लोज से 8 क्लोज, ठीक है, और मैंने सेट बी ले लिया, लेट्स से 5, लेट्स से चलो एक सिंगल एलिमेंट ले लिया 5, चलो छोटा सा मैंने कहा तुम लोग करो पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ओके डू ऑल दी फोर पार्ट्स, अब मैं बता रहा हूँ जैसे ए मैंने लिखा ए यूनियन बी क्या होगा मेरा, तो एक काम करते पहले प्लॉट कर लेते 2 से 8, तो 2, 8 इधर फील्ड लाइन फील्ड, इसी के नीचे सेट बी, अब इसमें तो सिंगल एलिमेंट 5 है जो 2 और 8 के बीच में आएगा, तो दिस इज 5, ठीक है ना, अब मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा मेरा,
द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी. तो टू से एट तक इसने सारे एलिमेंट कवर कर लिए और इसने फाइव करा, फाइव तो दोनों ने ही कवर किए हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 2.8 क्लोज. 2 क्लोज से 8 क्लोज विल बी ए यूनियन बी. अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इसके अंदर 5 ही है सिंगल एलिमेंट और इसमें भी 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, इंटरसेक्शन इज सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज डिस्क्रीट सेट. फिर आते हैं ए माइनस बी पे. ए माइनस बी क्या होगा, ए में से वो हटाऊंगा मैं जो बी के साथ कॉमन है, तो ए का बी के साथ कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो ए में से हटा दूं मैं 5. देखना मैं कैसे हटा रहा हूँ, एक तरीका तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2.8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5. दिस इज द वे, वन ऑफ द वे वी कैन डू, कि मैंने ए माइनस बी में से 5 हटा दिया, मतलब इसमें 5 आ रहा है ना तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. और बेटर तरीका क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस माइनस अदर वे, तुम सोचो वीडियो पॉज करके, मैं लिख रहा हूँ इधर, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, देन यू विल सी कि हाँ सर सही लिखे हैं. 5 ओपन यूनियन 5 ओपन से 8 क्लोज, देखो इज इट करेक्ट. मैंने बोला क्या ये करेक्ट लिखा है, तो आंसर मिलेगा यस. देखो इधर मैंने 5 पे ओपन लगा रखा है, इधर भी 5 पे ओपन है, तो इसने क्या बोला, 2 क्लोज से 5 ओपन और 5 ओपन से 8 क्लोज, दैट मीन 5 इज नॉट देयर इन द सेट, और 5 मुझे चाहिए भी नहीं, बाकी 2 से 8 सारे एलिमेंट है एक्सेप्ट 5, तो दिस इज परफेक्टली. तो ऑप्शन में क्या होगा, ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं एंड ऐसे भी, तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल ओनली. अब आते हैं बी माइनस ए पे. तो बी माइनस ए क्या होगा, जस्ट थिंक इट, वट इज बी माइनस ए, बी में से वो हटा देता हूँ जो उसका ए के साथ कॉमन है. अब बी में अपने आप में एक ही एलिमेंट था सिंगल एलिमेंट 5, और वो भी उसका ए के साथ कॉमन था, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, सिंपली 5. गेटिंग इट, छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. गेटिंग इट, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए ना, फील फ्री टू आस, हो सकता है मान लो थोड़ा बहुत रिप्लाई करने में मे बी डिले हो जाए, बट आई विल रिप्लाई, डोंट वरी, ठीक है ना. इवन यू कैन कॉल मी, नो वरीज, ठीक है ना. हाँ इवनिंग में कॉल करो, ठीक है ना, मॉर्निंग में क्या होता है लेक्चर्स में बिजी रहते हैं और दोपहर में डाउट सेशंस रहते हैं, तो आफ्टर 5 o'clock यू कैन कॉल एट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. नहीं उठाया तो आई विल रिप्लाई यू, आई विल कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम व्हेन आई विल गेट फ्री. बट हर एक चीज़, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, रटनी नहीं है. हाँ रट रहे हो तो बट समझ के रटो, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली रट लिया, नहीं बिल्कुल नहीं. क्यों लिखा 5, समझ में आना चाहिए, क्यों लिखा ये ओपन ब्रैकेट इधर क्यों लगाए, हर एक चीज़ ये मत सोचना कि हम थोड़े दिन बाद क्लियर कर लेंगे, जब क्लासेस स्कूल में आएंगे जब कर लेंगे, किसको पता है कब स्कूल में आना होगा, अभी लॉकडाउन का किसको पता है कब तक चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, वी डोंट नो ना. तो जो मिला है समय हम उसी को बेस्ट यूज़ करें ना. गेटिंग इट माई पॉइंट, कि कोई बच्चे सोचते हैं कि यार एक बार जब टीचर के सामने फेस टू फेस मिलेंगे तब हम डाउट्स सारे क्लियर कर लेंगे. देखो डाउट्स एक दिन में सारे क्लियर नहीं होते, ये दिस इज़ नॉट ए वन डे प्रोसेस जो डाउट सॉल्विंग होता है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, डेली तुम्हें डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि 10 जब तक, अब कोई बोलता है कि हम बच्चे लोग कि हम एक साथ पहले इकट्ठे कर लें डाउट्स, जब पूछेंगे एक एक डाउट लेके जाएंगे तो क्या लगेगा टीचर को, नहीं, एक एक डाउट से एक भी डाउट आता है एट दैट टाइम यू शुड आस्क, ठीक है. बहुत गाइड दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, तो और कर लेते हैं, नहीं तो एक आध क्वेश्चन और, ठीक है तुम्हारे लिए, चलो डिस्क्रीट इसका तुम लोगों के लिए उसी में ऐड कर लेना होमवर्क क्वेश्चन में, थोड़ा मिक्स कर देता हूँ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सेट का, ठीक है. तो लेट्स से मैंने इधर लिखा 5 क्लोज से 9 क्लोज और इसके अंदर मैंने ले लिया 3, लेट्स से 10, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ए को मैंने रखा, चलो ए को मैं सेम रख रहा हूँ, मैं बी चेंज करते जाता हूँ, ए को मैंने सेम रखा 5 क्लोज से 9 क्लोज और बी को मैंने रखा लेट्स से सिंगल एलिमेंट 10, सेकेंड थर्ड ए को तो मैंने वही रखा 5 क्लोज से 9 क्लोज और बी को मैंने रखा लेट्स से सिंगल एलिमेंट 9, ठीक है. उसके बाद फोर्थ वाले में सेम ए को मैंने एज इट इज़ रखा 5 क्लोज से 9 क्लोज और बी वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखना मैं बी के अंदर कॉमा ले लेता हूँ 5, curly brackets 5, 9 और एक और, चलो 5. ए के अंदर मैं ले रहा हूँ, यू शुड सेंड मी इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है ना, देखते कौन कौन का रिप्लाई आता है, सबको मतलब एक पेज पे सॉल्व करके सेंड मी द सॉल्यूशन, आई विल सी, ठीक है. एंड बी सेट इज लेट्स से कर्ली ब्रैकेट 4, 6, इसमें दो एलिमेंट कॉमन है, थोड़ा मैंने अलग बना दिया इससे, ठीक है ना. गेटिंग इट, चलो अब आके देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अबाउट इन द बेसिक मैथमेटिक्स, सो लेट्स मूव टू दैट पॉइंट्स.
यहाँ तक काफ़ी प्रैक्टिस, जितना सफिशियंट है। बाकी अभी जब इनइक्वालिटीज़ वगैरह पढ़ेंगे तब हमारी और प्रैक्टिस होगी, वहाँ भी हमें यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सेट्स का, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो हम एक बार और देख लेंगे जब, अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। किसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स? ऑल द नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट क्या है वो डिस्क्रीट्स हैं, मतलब जैसे माइनस टेन के बाद माइनस नाइन, माइनस एट, सो ऑल दीज नंबर्स आर माई इंटीजर्स। ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे क्या होंगे? डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, कंटिन्यूस नहीं है। जैसे मैं वन के बाद टू पे जंप कर रहा हूँ, वन और टू के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नहीं ले रहा हूँ, तो ऑल आर डिस्क्रीट, सो आई यूज डिस्क्रीट सेट। और मैं क्या लिखूंगा, अब माइनस इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकता, तो मैं इधर डेड डैश लगा रहा हूँ। फिर मैं एक नंबर लिख दिया, लेट से माइनस फोर, कॉमा माइनस थ्री, माइनस टू, वन, जीरो, वन, टू एंड डॉट 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 डैश, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो दीज आर ऑल माई सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद अ लेटर कैपिटल आई, दिस इज इक्वल टू, इसको सिंपली बोलते हैं कैपिटल आई, स्टैंडर्ड नोटेशन है कैपिटल आई, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। गेटिंग इट? ओके, नाउ कम्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है उसमें से वही इंटीजर्स लेने हैं जो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव क्या होंगे? मैं वन, टू, ये माइनस वन इधर, टू, थ्री एंड सो ऑन, डैट 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 डैश। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद अ कैपिटल लेटर, उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, बस इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं और किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ यूजिंग डिफरेंस ऑफ सेट्स, जस्ट थिंक इट वंस। मैंने कहा आई प्लस मतलब क्या हो गया, मैं एक काम करूँ तो चलो पहले आई माइनस का देख लेते हैं, उसके बाद आई विल कम टू दैट पॉइंट जो मैं अभी बताना चाह रहा था। तो लेट से फर्स्ट राइट डाउन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगेन क्या होगा? डेड 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 डैश, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। जीरो इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। सो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? आई माइनस से। गेटिंग इट? आई माइनस से। अच्छा, अब मैं मान लो एक मिनट, मुझे आई माइनस को ही लिखना है, जो मैं चीज़ अभी बोल रहा था तो मैं बताऊंगा। आई माइनस को लिखना आई प्लस और आई के टर्म्स में, कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर मैंने आई को आई में से आई प्लस घटा दिए, व्हाट यू लेफ्ट आउट विथ? मैंने बोला अगर मैंने, अच्छा चलो मैं ऐसे पूछ रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं इज इट करेक्ट और नॉट? माइनस आई प्लस, इज इट करेक्ट? मैंने क्या किया, सभी इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दिए, व्हाट यू लेफ्ट आउट विथ? नेगेटिव इंटीजर्स, इज इट करेक्ट? नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स के साथ और क्या बचेगा? जीरो भी तो बचेगा, तो आई शुड सब्ट्रैक्ट ऑल्सो जीरो, माइनस कर्ली ब्रैकेट जीरो। गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट आई एम राइटिंग इज, मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर्स किसके बराबर होंगे? सारे इंटीजर्स में से मैं पॉजिटिव इंटीजर्स हटा रहा हूँ प्लस जीरो भी हटा रहा हूँ, देन व्हाट आर यू लेफ्ट आउट इज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सो आई माइनस इज नथिंग बट आई माइनस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स माइनस जीरो ऑल्सो। गेटिंग इट? ये वाला, ये तीन जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये तो मोस्टली सभी जानते होंगे, आई होप, नॉट नेसेसरी बट ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये शायद तुम्हारे लिए नया होगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव। अभी मैं नॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो सोचो क्या होगा नॉन नेगेटिव, मतलब क्या? जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, उसने बोला नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं हो तो क्या हो? पॉजिटिव। जैसे मैंने अगर मान लो ऐसे लिखूं, मैंने कहा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंप्लाइज, दिस इज द सिंबल फॉर इंप्लाइज, पढ़ेंगे बाद में, नॉन नेगेटिव इंप्लाइज पॉजिटिव, इज इट करेक्ट? ना, नॉन नेगेटिव मतलब केवल पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है प्लस जीरो, जीरो इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव ना, नेगेटिव तो नहीं है ना, उसने ही बोला नॉन नेगेटिव, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो मतलब क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो, तो दिस इंप्लाइज एक्चुअली पॉजिटिव और जीरो, जीरो भी लिखना जरूरी है, जीरो इज ऑल्सो माई नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। नाम से मैंने बोला, नाम से रखो, रटना नहीं है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो तो जनरली बच्चे लोग रिप्लाई देते पॉजिटिव, पॉजिटिव अकेला नहीं, जीरो यू शुड इंक्लूड जीरो ऑल्सो, जीरो इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नहीं है ना, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, कॉपी करो, तो मैंने लिखा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या हो गए?
जीरो प्लस पॉजिटिव तो जीरो लिख लो, दिस इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, एक तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ले लूँ उसमें जीरो ऐड कर दूँ, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, अभी देखा हमने आई प्लस प्लस इसमें जीरो ऐड कर दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, गेट इट। और मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्दर आई कैन राइट दिस, सभी इंटीजर्स में से मैं घटा देता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स, तो व्हाट यू आर लेफ्ट आउट विद, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, गेटिंग द पॉइंट, दिस ऑल्सो यू कैन यूज फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलो अब इसी तरीके से नॉन पॉजिटिव कर लो, फिफ्थ वन, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव ना हो इसका मतलब नेगेटिव हो या जीरो, नेगेटिव हो या जीरो हो, तो डेड 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 डैश माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और जीरो, जीरो शुड बी देयर, नॉन पॉजिटिव, वेट अ मिनट, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव वाले को मैं इसको और फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं उनको आई कैन राइट यूजिंग आई माइनस, बट आई माइनस में अभी जीरो तो कवर नहीं हुआ तो इसको अलग से ऐड कर दिया, प्लस कर्ली ब्रैकेट जीरो, अच्छी बात है। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, सभी इंटीजर्स में से मैं हटा देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट इज नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, दैट इज परफेक्टली जैसे हमने इधर किया था उसी का रिजर्व है, रटने की जरूरत नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया इंटीजर्स की बात, अब बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात, वो तुम्हें पता होगा, और नेचुरल नंबर का तो वैसे भी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हो चुका था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो लिखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिक्स आई थिंक सिक्स जो भी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होते हैं, ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम वन से लेके इन्फिनिटी, तो कर्ली ब्रैकेट वन टू थ्री एंड सो ऑन, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेटर कैपिटल एन, जनरली यूज कैपिटल एन, बाकी हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखें सोचो, क्या मैं बोलूँ दीज आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, तो एन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, और आई प्लस को तो मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँ आई प्लस को, मैं क्या कर रहा हूँ आई में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सारे नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस जीरो ऑल्सो, सो व्हाट यू विल गेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो अलग अलग तरीके हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए सेट क्या है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर का वो भी जब तुमने प्रीवियसली जो मैंने पढ़ाया डिफरेंस ऑफ सेट्स वगैरह वो अच्छे से समझ आया है, ठीक है। इसी में हम सेवन्थ लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा, जैसे इधर वन से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर्स में क्या होगा जीरो से स्टार्ट होगा, इसका भी छोटा सा डिस्कशन हुआ था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, सो दिस इज नथिंग बट जीरो वन टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसको जनरली जो बुक्स में यू विल सी इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर डब्ल्यू होल नंबर, और अब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, अब कैसे लिखूँ, मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस कर्ली ब्रैकेट जीरो, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं सभी इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर्स हटा दूँ, व्हाट यू लेफ्ट आउट इज पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, दिस विल ऑल्सो यू कैन राइट, गेटिंग इट। चलो तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, नाउ वी विल सी रियल नंबर्स ऑल्सो, फिर ठीक है उसके बाद एंड अप करेंगे क्लास आज का, तो अब रियल नंबर्स और देखते रैशनल नंबर ही बता दूंगा, नहीं तो रैशनल नंबर टुमारो आई विल टेक, अभी के लिए मैं तुम लोगों को रियल नंबर्स बता देता हूँ, नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, लिख लेना 8 या 9 जो भी था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होंगे, देखो अभी तक तो हमने जो लिखे अभी जितने भी लिखे थे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उन सब में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया था बिकॉज द वैल्यूज आर डिस्क्रीट, बट दिस इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस सेट, मतलब रियल नंबर्स क्या होगा, दिस विल बी फॉर दिस वी विल यूज कंटिन्यूअस सेट एंड दिस विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स आते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे ऑल आर रियल नंबर्स, और इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, विद अ लेटर कैपिटल आर, विद अ लेटर कैपिटल आर, इतना लिख लेना,
ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से तुम इसमें क्लासिफाई कर सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ये मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, देखना। जैसे अपने इंटीजर्स वगैरह में किया ना, जैसे मैंने लिखा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, चलो लिख ही लेते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, चारों चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं लेने, प्लस जीरो भी नहीं लेना है, जीरो पे भी ओपन, इन्फिनिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? विद द लेटर कैपिटल आर, और ऊपर लगा दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होंगे हमारे? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, अगेन जीरो पे मैं ऊपर लगा रहा हूँ बिकॉज उसने नेगेटिव बोला है, आई शुड नॉट इंक्लूड जीरो। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? वी राइट इट बाई आर, उसके ऊपर माइनस, आर माइनस, जैसे अपना आई के ऊपर माइनस लगाते थे तो क्या बोलते थे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो आर के ऊपर माइनस लगाया तो नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। फिर नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए तो ये हो गया, और जीरो और ले लेते हैं, तो जीरो ले लेते हैं, इसका मतलब क्या करूँ मैं? एक तो मैं आर प्लस ले लेता हूँ, प्लस करली ब्रैकेट जीरो, ऐसे लिख लो, या फिर इसको क्लब कर सकता हूँ मैं, इसके अंदर जीरो ऐड करना है, जीरो पे ओपन है तो मैं क्या करूँ? जीरो पे क्लोज लगा देता हूँ, तो दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज जीरो क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। आई होप समझ में आया होगा। और लास्टली नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव प्लस जीरो, तो नेगेटिव प्लस जीरो। अब मैं क्या करूँ? नेगेटिव वाले माइनस इन्फिनिटी से जीरो, इसमें जीरो ऐड करना है मुझे, तो जीरो पे इधर ओपन है, आई पुट क्लोज, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज, ठीक है। तो दिस इज अगेन स्मॉल पार्ट, और मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगा जनरली, बस जो नई चीज़ तुमने पढ़ी होगी शायद अभी, दैट इज़ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, बाकी तो आई थिंक तुम लोगों ने देखा ही होगा। और इसके बाद फिर मैं कल के लेक्चर में देखूंगा, दिखाऊंगा रैशनल इरैशनल नंबर्स और उनका थोड़ा कन्वर्जन और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।